हरिद्वार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान निशंक आम जनता से उन्होंने संवाद किया और सीधे संवाद में उनके कई सवालों के जवाब भी दिए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद निशंक दूसरी बार हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। तो वहीं निशंक ने हरीश रावत की तरफ से प्रदेश में अस्थिरता का माहौल वाले पर बयान पर कहा कि वो पार्टी के लिए समर्पित हैं और पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी है उन्होंने हमेशा उन जिम्मेदारियों को निभाया है। आगे भी पार्टी जिस पद पर उन्हें काम करने के लिए कहेगी वो पूरी तत्परता से उस पर काम करेंगे। मैंने शुरू में भी कहा है कि मैंने अपना समय पार्टी को दिया है, मेरी पार्टी मुझसे क्या काम लेना चाहती है ये पार्टी का विषय है। पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मैंने मुख्यमंत्री का काम किया। पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री हटाकर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का काम दिया मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया। पार्टी ने कहा विधानसभा को छोड़ करके इस्तीफा दे करके हरिद्वार से चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैं आपके बीच आ गया। पार्टी ने कहा कि अभी तो आपको एक तो कमेटी का चेयरमैन बनना है, पार्लियामेंट्री कमेटी का उसको बन गया। अभी फिर दोबारा ये कहते नहीं आपको नेता मानव संसाधन विकास मंत्री बनना है, हो गया। जो जो वो कहती है मैं वो काम करता हूँ बस।